तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई जो बन गया है 18वें रूबरू मिस्टर इंडिया 2022 के फिनाले का क्राउन। यह चेन्नई का क्राउन प्लाजा होटल और यहाँ पर भारत के विभिन्न प्रांतों से आ गए हैं रूबरू मिस्टर इंडिया के 36 फाइनलिस्ट। फाइनलिस्ट में से चुने जाएंगे हर क्षेत्र के प्रतियोगी जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। सारे कंटेस्टेंट्स रूबरू की टी-शर्ट पहनकर इस हॉल में जमा हो चुके हैं। सारे कंटेस्टेंट ने सबसे पहले भारतीय कॉस्ट्यूम पहनी और इस कॉस्ट्यूम में उन सबका एक अलग अंदाज में स्वागत हुआ। सबकी सैश सेरेमनी की गई। देश के जाने पहचाने लोगों ने इन सबको सैश पहनाया और विधिवत इनका रूबरू मिस्टर इंडिया 2022 में स्वागत किया। ग्रुप से पंकज खरबंदा ने इस शो की नींव रखी और उनकी पूरी टीम अगले 5 दिनों तक चुनेगी इनमें से एक रूबरू मिस्टर इंडिया। ग्रूमिंग क्लासेस होंगी, इनके फोटोशूट्स होंगे और टैलेंट से लेकर इनके पर्सनालिटी को परखा जाएगा और फिर होगा फिनाले का मौका। तो बने रहिए सास बहू और बेटिया के साथ क्योंकि जल्द ही हम लेकर आएंगे रूबरू मिस्टर इंडिया 2022 के सारे नजारे। देखते रहिए सास बहू और बेटिया एक्स्ट्रा। चेन्नई से नुपुर मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
Rahul is handling all our production part. So whatever the beautiful product you will see, Rahul is going to do that for us. I'm going to play the layout of grand finale stage, how it's going to look. Tomorrow evening we'll be having a talent round, and then in the night we are going for a club party. Fourth, we have a preliminary, and fifth is a finale. I'm going to display finale stage, how it's going to look. Finale stage video, please. So just have a look how stage of grand finale is going to look. We are predicting because preliminary. This again is the first time in India we are following an international standard, where we'll be having a preliminary and also Image City Award. This is the first time we are giving an international award for a people, 15 people around the world. We are recognizing an Image City Award, and they will be on the cover page as well. So that's going to happen on 4th. So 15 people from different categories